एक जंगल में बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाकर उनके परिवार के साथ जीने लगे। पर एक कौवे को उस जंगल में रहने के लिए घोंसला नहीं रहता और हर रोज एक एक पक्षी के घोंसले में रह के उनके सभी काम करके उस रात को उन्हीं के पास होता था। अगले दिन सुबह उठ के और एक घोंसले को जाता था और उनका काम करता था। ऐसे उसके अपने कोई भी न रहने पर वो कौवा सबकी दया से जिंदगी बिताने लगा। एक तोते का परिवार उस कौवे के बारे में ऐसे बातें करने लगे, क्या रे उस कौवे को इस हफ्ते में फिर से अपने घर बुला रही हो? परसों ही हमारे घर आया ना, फिर से क्यों? अरे कुछ नहीं होगा जी, इस हफ्ते में कबूतर का परिवार कहीं जा रहा है, उस दिन कौवा उनके घर जाना है, पर वो नहीं रहते ना, इसीलिए मैं कौवे को बुलाई, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर भी कौवे का दिल सोना है सोना, वो हर काम को मन लगा के करता है, वो दूसरों की भलाई चाहता है। ऐसे अच्छे पक्षी को हम रखे एक दिन का खाना और एक रात की छाया हमें भार नहीं होगी जी। आप हिसाब से बात मत कीजिए, समझने की कोशिश करो जी। ऐसे अच्छे दिल वाला कौवा की तरफ बात करती है पत्नी तोता। ऐसे उसके ऊपर प्यार बरसाए उन पक्षियों से खुश रहे कौवा एक बार भगवान से ऐसे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं एक अनाथ हूँ, पर मुझसे प्यार करके मेरी देखभाल करने के लिए इतने सारे पक्षियों को दिए स्वामी। ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है। इस प्रकार उस जंगल में रहे सभी पक्षियों को कौवे पर अच्छा अभिप्राय रहने पर कौवे की जिंदगी आराम से कटने लगी। इतने में उस जंगल में सर्दी का मौसम शुरू होता है। अंधेरा होने पर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में रह के हीटर्स और आग जलाते हैं। कौवा उस दिन जिस घर में रहता है वो उस घोंसले के आग के पास रहता है। ऐसे रहते हुए उस जंगल में रहे सभी पक्षियों को और पड़ोस जंगल में रहे पक्षियों के बीच बहुत दुश्मनी थी। उस जंगल के पक्षी इस जंगल के पक्षियों के बारे में बात भी नहीं करते थे। एक बार किसी काम से वो कौवा पड़ोस जंगल को जाता है, तब कौवे ने, मैं उस जंगल में जाने से यहाँ कोई नहीं मानेगा, इसीलिए छुपके से वहाँ जाकर आना बेहतर है, अगर कोई मुझे देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सोचकर बिना कोई देखे 2 घंटों में वापस आने के लिए जाता है, पर कौवा वापस आने के लिए शाम होती है। उस दिन रात को कौवे को आश्रय देने की भारी चिड़िया की थी, इसीलिए कौवा सीधा चिड़िया के घोंसले को जाने से वहाँ सारे पक्षी कौवे की राह देख रहे थे। वो सभी गुस्से से रहने पर कौवा ऐसे कहने लगा, क्या हुआ, सभी यहाँ हो? थोड़ी देर में ठंड शुरू होगी ना, चलो अंदर चलते हैं। तब एक चील गुस्से से, कहाँ जा रहे हो, हमें पता है तुमने क्या किया है। ऐसे कहने पर कौवा डर डर के, मैंने क्या किया? नाटक मत करो कौवा, तुम हमें बिना बोले पड़ोस जंगल को गए, हाँ या ना? ऐसे चिड़िया पूछने पर कौवा सर नीचे कर लेता है। तब चिड़िया ने, पड़ोस जंगल को जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ कोई मुसीबत में रहने से उनका मदद करके अभी तक उनकी सेवा करके लेकिन खाने के लिए हमारे पास आए हो, ये सब तुम्हें कैसे पता? मतलब ये विषय हमें बिना बोले हमें धोखा देना चाहते हो? इतने दिन तुझे हम में से एक मानकर प्यार से देखने से तुम हमारे खिलाफ काम करके हमारे साथ रहने आए हो? एक बात सुनो, आगे से तुम अपनी जिंदगी जियो, सब सुनो, आज से इस कौवे को खाना कोई नहीं देगा और आश्रय भी कोई नहीं देगा और इसके बारे में सोचना भी मत। ऐसे चील वार्निंग देने पर वहाँ रहे सारे पक्षी कौवे को अकेले छोड़कर अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठंड बढ़ने पर उस बर्फ में कौवा काम कर एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसका काम सही या गलत करके सोचने लगा। ऐसे आधी रात बीतने तक बाहर बहुत बर्फ पड़कर ठंड बहुत ज्यादा होने लगी। इतनी ठंड में सिर्फ कौवा अकेला बैठकर ठंड से काम रहा था। तब दूर से बर्फ का झोंका उन पक्षियों के घोंसलों की तरफ जोर से आने लगा।
उसे देखकर कौवे ने, बाप रे, ये साल भी शायद बर्फ का झोंका फिर से आने वाला है। पिछले इसी झोंके के वजह से बहुत सारे पक्षी घोंसलों में रह के मर गए। इस बार मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, उन्हें कैसे भी बचाना है। ऐसे सोचकर बर्फ और ठंड का बेखातर करके दरवाजा बंद करके सो रहे पक्षियों के दरवाजे मारकर उन्हें उठाता है। उन सबको ले जाकर तुरंत पत्थरों के पीछे जाकर सबको छुपाता है। इतने में बर्फ का झोंका आकर सबके घोंसलों को सत्यानाश करके जाता है, पर पक्षियों के प्राणों को कुछ नहीं होता। तब वो पक्षियाँ कौवे को कृतज्ञताएं कहते हैं। सच में कौवा, अगर तू आके हमें नहीं उठाने से उस बर्फ के झोंके में इस बार हम सब बलि हो जाते। हाँ कौवा, हम तुम्हें हमारे घरों में रहने के लिए जगह नहीं दिए, पर तुम हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया और हमें बचाया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कौवा, हमें माफ करो। ऐसे बातें मत करो, मेरे वजह से ये अच्छा काम होने के लिए शायद भगवान ने ये गुस्सा दिलाया है। ऐसे कहने पर उसके बाद से पहले की तरह कौवे को प्यार से देख के सब खुशी से जीने लगे। एक जंगल में सभी पक्षी बहुत दोस्ती से रहते थे। उनमें एक कौवा थी। बाकी पक्षी उस कौवे को बहुत प्यार और सम्मान करते थे, क्योंकि वो कौवा सच्चाई की तरफ खड़े होकर बात करती थी। उससे अगर कोई कभी अस्थायी रूप से दुखी होने पर भी फिर कभी उनकी तरफ सच्चाई रहने पर या उनको जरूरत पड़ने पर पुरानी बातों को मन में नहीं रखती थी और सच्चाई की तरफ बात करती थी, इसीलिए उस कौवे को सभी पक्षी इतना सम्मान देते थे। एक बार एक कबूतर उसके शरारती बच्चों को चिड़िया के पास छोड़कर ऐसे कहने लगी, देखो चिड़िया, मुझे बाहर जाने का काम आया है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, एक जगह भी नहीं बैठते, इसीलिए तुम इनका जरा ख्याल रखना चिड़िया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वैसे तो मैं बच्चों का देखभाल करती हूँ, लेकिन तुम कहती हो तेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, बाद में कुछ परेशानी होने से इसीलिए यहाँ क्यों? ऐसे धीरे से चिड़िया अस्वीकार करते समय कबूतर ऐसे कहने लगी, ऐसे मत बोलो चिड़िया, मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया है। तुम मेरे बच्चों को मारने से भी कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं सिर्फ एक घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक जरा तुम इनका ख्याल रखना। ऐसे कहकर कबूतर चली जाती है और समय पर नहीं आती। यहाँ कबूतर के बच्चे चिड़िया काम करते समय बिना बताए इतनी ठंड में बाहर चले जाते हैं। बहुत देर बाद कबूतर आकर बहुत झगड़ा करके पंचायत रखती है, पर कौवे की मदद से उस कबूतर के बच्चे घर से बाहर जाने के विषय में चिड़िया का कोई गलती नहीं है करके पंचायत फैसला करती है। तब चिड़िया की सच्चाई को पंचायत में निरूपण करने के लिए चिड़िया कौवे को कृतज्ञता कहती है। इस प्रकार उनके जीवन कटने लगे। थोड़े दिनों बाद जंगल में बहुत ठंड बढ़ जाती है, कोई भी पक्षी उसके घोंसले से बाहर नहीं आती। सुबह में धूप बहुत कम पड़ने पर उसी समय उनके बच्चों को घोंसले में छोड़कर आहार लेने जाते थे। उस समय कौवे का असली रूप बाहर आता है। सभी पक्षी आहार के लिए बाहर जाने के बाद ये कौवा उन पक्षियों के बच्चों को लाकर उसके घोंसले में गर्म पानी में उबालकर उन्हें गरम गरम खा लेती थी। इस विषय में किसी को भी कौवे के ऊपर शक नहीं होता। एक बार चिड़िया, तोता और कबूतर एक जगह मिलकर ऐसे बातें करने लगे, इस ठंड के मौसम में हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, वो भी हम आहार के लिए बाहर जाने के बाद ही, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। उसमें क्या है, परसों मेरे बच्चे बाहर जाकर दो दिन पूरा घूमकर दूसरे दिन घर आ गए, शायद ये भी ऐसे ही चले गए होंगे। आजकल बच्चों की शरारत बहुत पड़ने लगी बाबा, ठंड भी बहुत पड़ रही है ना, शायद कहीं रह गए होंगे। ये बातें सुनकर चिड़िया के मन में थोड़ा डर शुरू होता है, पर उसका कारण क्या है चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे दो दिन बाद एक दिन चिड़िया हर रोज की तरह उसके बच्चों को घर में छोड़कर आहार लाने जाती है।
इस बार कौवे की नजर चिड़िया के बच्चों के ऊपर पड़ती है। तब कौवा ऐसे सोचने लगी, हाँ चिड़िया बाहर चली गई, वो वापस आने तक आज मैं उसके बच्चों को ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर चिड़िया के बच्चों में से एक बच्चे को लाकर उसके घर में स्टोव के ऊपर गर्म पानी रख के दूसरी तरफ मसाले तैयार करके ऐसे सोचने लगी, सच में इस जंगल में रहे सभी पक्षी बहुत मासूम है। इतनी ठंड के मौसम में मुझे दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर ही मुझे आहार मिल रहा है। ऐसे बहुत खुश होकर मसाले तैयार करने लगी। इधर आहार के लिए बाहर गई चिड़िया के मन में शक होकर ऐसे सोचने लगी, आज मुझे बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं है, इसीलिए अभी मैं वापस घर जाकर बच्चों के साथ रहूंगी। ऐसे सोचकर वापस घर जाने के बाद देखने पर उसके घर में एक बच्ची दिखाई नहीं देती। तब उस बच्ची के लिए घबराते समय कौवे के घर से मसाले की खुशबू आने पर कौवे पर शक होकर उसके घोंसले के अंदर जाकर देखने पर तब वो कौवा चिड़िया के बच्चे को गरम गरम पानी में डाल रही थी। ये सब देखकर माँ चिड़िया को इतनी ठंड में भी पसीने आ जाते हैं। तुरंत उसके बच्चे को बचाने के लिए एक लकड़ी लाकर उस कौवे को बहुत मारती है। तब वो कौवा ऐसे कहने लगी, लगता है ये चिड़िया को सब पता चल गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसे डर के चिड़िया को धकेल के कौवा वहाँ से भाग जाती है। इस प्रकार उस कौवे से चिड़िया उसके बच्चे को बचाती है। तब कौवे के बारे में सभी पक्षियों को पता चल जाता है। उसके बाद फिर कभी उस जंगल में किसी भी पक्षी के बच्चे गायब नहीं हुए।